अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र आते हैं आज के दो अफसोसनाक खबर पर। सबसे पहले हम आपको खबर सुनाते हैं हमारे हैदराबाद के एक स्टार और एक मशहूर मारूफ बिजनेसमैन तौफीक खान की। तौफीक खान अब हमारे बीच नहीं रहे, आज के दिन उनका इंतकाल हो चुका है। तौफीक खान जो है हैदराबाद फिल्मी दुनिया में एक जाना माना नाम थे, जो कि एक था सरदार जैसी फिल्म बनाकर हैदराबाद में एक मकबूलियत हासिल की थी। खैर, काफ़ी अच्छे इंसान भी थे और काफ़ी दिलदार इंसान भी थे, क्योंकि जब कोरोना वायरस जैसी बीमारी हमारे हैदराबाद में आई थी, तब लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम पर कई गरीब बस्तियों में जाकर इन्होंने अनाज तकसीम किया था गरीब लोगों के बीच। बहरहाल कई ऐसे अच्छे कारनामे थे तौफीक खान के, और हमारे एक्स मिनिस्टर, एक्स रेलवे मिनिस्टर दत्तात्रेया के काफ़ी नज़दीकी आदमी थे, एक बेटे की तरह दत्तात्रेया इनको चाहते थे। और हैदराबाद में काफ़ी ऐसे इनके बड़े बिजनेस भी थे, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी इनको माना जाता था। खैर, बहरहाल तौफीक खान के हक़ में दुआ कीजिए कि अल्लाह इनको जन्नत नसीब करे, जन्नत में आला से आला मुकाम दे, क्योंकि ये गरीबों की बहुत मदद कर चुके थे लॉकडाउन के टाइम पर। आइए फिर वहीं दूसरी जानिब और एक अफसोसनाक खबर हम आपको सुनाते हैं, जो कि हमारे दरगाह यूसुफ़ैन के एक्स मुतवल्ली फैसल अली शाह, उन्होंने अपने आप को फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली। ये तो हमारे इस्लाम में ख़ुदकुशी करना हराम है, बावजूद इसके ऐसे लोग भी ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो दो खबरें एक साथ हम आपको दिखाते हैं। मेहनाज अली शाह बोल के फैजल अली शाह का बीबी है, इन्हों आके वो पीएस में कंप्लेंट करे। 10 बजे 10:30 बजे इनको फ़ोन आए करते, चेला इरफान उनके सर्वेंट है, फैजल अली शाह का सर्वेंट है। फैजल अली शाह अकेला ये यूसुफ़ैन दरगाह का अंदर एक पोर्शन में रहते हैं। इन्हों पहले भी एक्स मुतवली मुतवली भी करे, यूसुफ़ैन दरगाह का मुतवली भी करे, बहुत दिन से इन्हों उधर ही है। आज सुबह में 10:30 बजे इनको फैजल अली शाह का बीबी को फ़ोन आए करते, उन्हों मर गया ऐसा हैंगिंग करे, उनको हिमसेल्फ हैंगिंग करे ऐसा बोल के कंप्लेन फ़ोन आए करते। इन्हों इमिडिएटली इन्हों उनका फैजल अली शाह का मदर दोनों भी पीएस को वो घर को आके चेक करे, तो उन्हों सेल्फ ऐसा हैंगिंग ऐसा बता रहे करते, उन्हों कंप्लेंट दिया। इन्हों कैसा मर गया कैकुली के लिए मर गया बोले, तो इनको हेल्थ इश्यूज बहुत है ऐसा बोल के बोला, और फाइनेंशियल का क्राइसिस भी ज़्यादा है बोल के कंप्लेंट में लिख के दिया। पूरा इंक्वायरी कर रहा हूँ, उन्हों अकेले रहते, उन्हों भी पहले से मुतवली करे, इसलिए थोड़ा इंक्वायरी अच्छा इंक्वायरी करना, इंक्वायरी करके करने के बाद मैं बोल सकते हैं कैसा है मर गया। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, आर एंड एस यूनानी फार्मेसी, किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए, नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट्स, सिर्फ यूएनआई स्टोन कैप्सूल्स से। मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत, फिर से पथरी ना होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से नजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं आर एंड एस यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुर एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436, 9063383760।